नुहू जिले के तत्कालीन उपायुक्त विनय सिंह यादव की पुत्री देवयानी बनी आईएएस। नुहू में बटी मिठाइयां। आपको बता दें कि हिसार रेंज के कमिश्नर एवं नुहू जिले के तत्कालीन उपायुक्त विनय सिंह यादव की पुत्री देवयानी यादव ने यूपीएससी की परीक्षा में 222वीं रैंक हासिल की है। देवयानी की इस कामयाबी की खबर जैसे ही उनके गृह जिले महेंद्रगढ़ से लेकर हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू के लोगों को पता चली तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूर्व तहसीलदार कमल यादव ने देवयानी यादव की इस उपलब्धि पर लघु सचिवालय नुहू परिसर में सभी कार्यालयों में जाकर देसी घी से बनी मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या कहेंगे उनके बारे में? इस बारे में मेरा ये कहना है कि हमारी बेटी जो देवयानी है वो उसने यूपीएससी की परीक्षा में 222 रैंक प्राप्त किया है और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि श्री विनय सिंह यादव जी जो डिविजनल कमिश्नर हिसार है उनकी वो बेटी है, लेकिन वो 1987 में यहाँ पर एसडीएम रहे 1987 में और 2007 में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी रहे। उनका मेवात से बड़ा लगाव है तो मैं उनके साथ कानूगो भी रहा और नायब तहसीलदार भी रहा और मेरे उस नाते से उनसे पारिवारिक संबंध है। मैं पूरे परिवार को अपने भाई बहन की तरह मानता हूं तो आज विनय सिंह यादव जी मेरे सगे भाई की तरह है और उनकी बेटी यूपीएससी की परीक्षा में 222 रैंक कर आईएएस बनी है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा परिवार पूरा बहुत खुश है और उस खुशी में आज मेवात की सेक्रेटरिएट में मैंने अपनी उस खुशी में देसी घी के लड्डू और मिठाइयाँ बाँटी हैं सभी कर्मचारियों को, सभी स्टाफ को, सभी अधिकारियों को। तो मुझे इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारी बेटी आईएएस बनी, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया सेंटर का पहले से ही बहुत ही मतलब विनय सिंह जी से बड़ा नज़दीकी ताल्लुकात रहा है तो आज सभी ने जब ये सुना तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।